गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर भूषण्स बायोलॉजी। पिछले कुछ लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं सेल साइकिल, सेल डिवीजन के बारे में। आज हम और एक पॉइंट यहाँ पे लेके आए हैं। तो सेल साइकिल, सेल डिवीजन पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है, अभी यहाँ पे एक और पॉइंट लेके हम यहाँ पे आए हैं। तो पॉइंट क्या है, तो उसमें ही एक क्वाइसेंट फेज, ये जो पॉइंट था जिसको हमने कहा था G0 फेज, क्वाइसेंट स्टेज या फिर फेज जो भी होगी, या फिर उसको ही हमने कहा था G0 फेज, ये भी उसको कहा था। तो उसके बारे में हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया था, लेकिन और कुछ उससे रिलेटेड जब हमें क्वेश्चंस मिले नीट में, तो उसके बारे में और एक वीडियो अपलोड करना जरूरी था। तो यहाँ पे हम और एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। देखिएगा वहाँ पे क्या जानकारी दी थी, जब भी आप सेल साइकिल, सेल डिवीजन के बारे में समझना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले एक ड्रॉ करना है सेल साइकिल कैसे दिखती है उसके बारे में। अभी आपको पता है जो भी सेल्स होंगी G1 से निकलेगी तो G0 में चली जाएगी, तो हम कहेंगे एग्जिट दी सेल, एग्जिट दी G1 फेज, जो भी सेल होगी वो एग्जिट करेगी G1 फेज से एंड एंटर्स, एंटर्स का होती इन G0 फेज, इन G0 फेज हम इसे कहेंगे। अभी दूसरा पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या बताना है मुझे, यहाँ पे जो भी सेल G0 में चली जाती है तो G0 में चली जाएगी तो दो फॉर्म में चली जाएगी। देखिएगा पहला फॉर्म होता है टेम्पररी, टेम्पररी फॉर्म में चली जाएगी, और दूसरा फॉर्म यहाँ पे होता है परमानेंट। तो टेम्पररी फॉर्म किसे कहेंगे, तो टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए, हम कहेंगे तात्पूर्त्या स्वरूपात, मराठी त्याला म्हणतात तात्पूर्त्या स्वरूपात, आणि परमानंट मतलब हमेशा के लिए, आपण मराठी त्याला कायमस्वरूपी असं म्हणतो। बघा आता इथं सेल ज्यावेळेस टेम्पररी फॉर्ममध्ये जाते, तर टेम्पररी फॉर्ममध्ये जाण्याचं रिझन काय, तर सेलला ATP जर कमी असेल, अगर सेल को ATP कम होगी हम कहेंगे। दूसरा पॉइंट है माइटोजन, यहाँ पे अच्छे से फॉर्म नहीं हो रहा, या फिर माइटोजन की वहाँ पे डेफिशिएंसी मिल रही है, या फिर माइटोजन अब्सेंस है, तो यहाँ पे सेल टेम्पररी फॉर्म में चली जाती है। तीसरा पॉइंट, कुछ सेल ऐसी होती है जिनको सेल डिवीजन की फिलहाल तो जरूरत नहीं पड़ती इस टाइम, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी तब ये सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देगी, तो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो सम टेम्पररी टाइम के लिए सेल बाहर जाती है, कुछ सेल अभी फिलहाल जरूरत नहीं है लेकिन बाद में जब जरूरत होगी तो फिर से री एंटर कर दे। अभी परमानेंट में दो यहाँ पे आपको मिलेंगे, एक पॉइंट मिलेगा सीनेसेंस और दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे जो भी हम कहेंगे टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड, टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड। तो टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड और सीनेसेंस क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सीनेसेंस मतलब एजिंग, एजिंग मतलब इनका एज हो गया है, तो इनकी फाइनल क्या होती है डेथ हम कहेंगे। तो एजिंग जैसे कि बूढ़े लोग, उनकी एजिंग हो जाती है, फाइनल में वो उनकी डेथ हो जाती है, तो ये परमानेंटली फिर से सेल साइकिल में एंटर नहीं होते। टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड मतलब जिनका वर्क फिक्स हो गया है, वर्क फिक्स हो गया ऐसे सेल हम कहेंगे टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड सेल। देखिएगा यहाँ पे तो टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड सेल में क्या क्या आता है इसके बारे में मैं आपको यहाँ से समझा दूंगा। तो ये दो पॉइंट अभी देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो भी आएगा कौन सी सेल फिर से सेल साइकिल में एंटर होगी G1 में, तो टेम्पररी सेल जो भी बाहर जाएगी वो एंटर होगी G1 में, लेकिन परमानेंट में जो भी सीनेसेंस होगी ये बाहर जाएगी तो फिर से G1 में एंटर नहीं होगी। टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड जो भी होगी ये अगर बाहर जाएगी तो ये फिर से एंटर नहीं होगी। यहाँ पे अभी टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड मतलब क्या है, वर्क ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, ये परमानेंटली G0 में रहती है, परमानेंटली G0 में यहाँ पे रहेगी, G0 फेज में यहाँ पे रहती है। देखिएगा क्योंकि यहाँ से मैं आपको ये पॉइंट समझा देता हूँ टेम्पररी क्या है। तो टेम्पररी पता चल गया ATP माइट्रोजन की कमतरता है यहाँ पे, तो इसको हम कहेंगे टेम्पररी। अभी परमानेंट हम कहेंगे सीनेसेंस, जो भी एज हो गया तो वापिस नहीं आएगी। टर्मिनल डिफ्रेंशिएटेड मतलब वर्क फिक्स हो गया। ऐसी कौन सी सेल है जो टर्मिनल डिफ्रेंशिएटेड, तो इसमें सेल में आती है हार्ट सेल, दूसरी आती है नर्व सेल, और तीसरी आती है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ये परमानेंट G0 फॉर्म में रहेगी, हार्ट सेल जो भी होगी, नर्व सेल जो भी होगी, और तीसरी ऑस्टियोक्लास्ट जो भी होगी, ये परमानेंटली G0 में रहती है, ये फिर से सेल साइकिल में एंटर नहीं होती है। इसके बारे में आपको समझ में आना जरूरी है।
अभी देखिएगा यहाँ पे इसको ही कहा जाएगा क्वाइसेंट। यहाँ पे हम कहते हैं जो भी क्वाइसेंट सिनेसेंस और तीसरा ऑप्शन आता है कुछ जगह पे लिखा है टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड, तो वहां पे हमने आपको दिखा दिया है। अभी यहाँ पे जो भी टेम्पररी फॉर्म में हमने कहा था एटीपी कम हो गई माइट्रोजन और तीसरा जो भी कहा था पॉइंट वो समझा देता हूँ। समझो मुझ में फिलहाल तो 100 सेल प्रेजेंट है, मैं हेल्दी हूँ। अगर समझो मैं किसी इंजुरी से सफर हो गया, इंजुरी से सफर हो रहा हो, या फिर किसी हम कहेंगे कुछ सेल मेरी डैमेज हो गई है, तो यहाँ पे मेरी सेल समझो एक कम हो गई तो 99 आ गई, तो जो भी सेल यहाँ पे प्रेजेंट होगी ये फिर से रिप्लेसमेंट करवा देगी इस डैमेज सेल का, या फिर जो भी लॉस सेल हो गई उसका रिप्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से एक सेल ऐड हो जाएगी 99 + 1 = 100, फिर से यहाँ पे मेरी 100 सेल वैसे के वैसे ही रहेगी। तो इंजरी होती है, डैमेज होता है, कुछ सेल लॉस्ट होती है, तो यहाँ से सेल हम कहेंगे फिर से यहाँ पे आएगी और वो जो भी कॉम्पेंसेशन है भरपाई जी हासिल करूँ टाकता। इसमें कौन कौन सी सेल होती है, लीवर सेल होगी, लंग सेल होगी, किडनी सेल होगी, या फिर हम कहेंगे स्किन फाइब्रोब्लास्ट सेल, ये सेल इसमें आती है जिनकी रिकवरी फिर से रिप्लेसमेंट जिनके यहाँ पे रिप्लेसमेंट किया जाएगा डैमेज सेल का, या फिर हम यहाँ पे कहेंगे दूसरी कौन सी सेल जो भी लॉस्ट हो गई उस सेल का रिप्लेसमेंट यहाँ पे किया जाएगा। तो ये चारों सेल इसमें आएगी। तो टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड मतलब वर्क फिक्स किया है, जैसे कि आपको स्टडी इस यहाँ पे स्टडी ही करना है ये बता दिया गया है। घर वाले आपको फिर से घर पे बुला के बाकी काम करने के लिए नहीं बोलते हैं, तो आपको वर्क फिक्स हो गए तो आप वही वर्क करते हैं, फिर से सेल साइकिल में एंटर नहीं होंगे। तो ये आ गया पूरा सेल साइकिल एंड सेल डिविजन के बारे में, जो भी क्वाइसेंट स्टेज है उसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कहाँ से आने के चांसेस होते, कौन सी सेल ऐसी होती है जो परमानेंटली G0 में चली जाती है, तो आपका आंसर होगा हार्ट सेल, नर्व सेल और ऑस्टियोक्लास्ट सेल। इसमें से कोई भी अगर ऑप्शन होता है तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट यहाँ पे करना है। तो फिलहाल के लिए थैंक यू। तो ये था हमारा आज का G0 फेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट टाइम हम लेके आएंगे अगले कुछ फेजेस के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।